अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। सो ये है जी कुछ परसों की बारिश के बाद, मैंने बारिश में भी थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, थोड़ी सी ग्रम्बलिंग भी की थी, तो उसके बाद जब मैं आज छत पर आई हूँ, मैंने ये अभी क्ले पॉट में ग्रिटी रेड डर्ट की जो है वो ड्राई क्रम्बलिंग की है। बहुत ये जो रेड डर्ट है ये बारिश में टेक्स्चर भीग गया था, लेकिन कल और आज की धूप में थोड़ा थोड़ा जो है वो ड्राई हो गया था। और इसकी डस्ट चेक करें कहां कहां तक गई है। अब ये सारी मैं साफ करूंगी, लेकिन उससे पहले इस टेक्सचर पर भी डर्ट जो है वो रेड डर्ट की डस्ट चली गई है। सो वर्क प्लेस बहुत ही ज़्यादा मैसी हुई हुई है बारिश की वजह से। ये एक चंक जो है वो मैंने रखा था ब्लॉग के लिए, सो मैंने कहा चलें जी यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। इतफाक से जो है वो बच्चों का शोर बिल्कुल भी नहीं है बाहर, इतनी ज़्यादा मतलब खामोशी है कि मुझे सिर्फ दरमियान में एक ही बार रुकना पड़ा था। उसके अलावा जो है वो मैंने बड़ी इजीली 15 मिनट में 5-10 मिनट में जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सो ये वाला चंक जो है वो मैंने रखा था, मैंने कहा चलें इसको ब्लॉग में क्रम्बल करेंगे। बारिश में भी ये टेक्सचर भीग गया, लेकिन उसके बावजूद इसकी डस्ट जो है वो बहुत है। सो ये है मेरा प्योर सैंड का टेक्सचर। इसके उस दिन चंक जो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि वो टूट गए थे मुझसे, और ये है मेरी प्योर सीमेंट का टेक्सचर, ये भी फुल ड्राई है। मैं सोच रही हूँ कि आज बाहर इतना शोर भी नहीं है तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। सो हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। चलिए इसको भी एक क्रम्बल करते हैं।
आप सिर्फ ये देखें कि आज इतनी ज़्यादा खामोशी है कि मतलब कोई मौजज़ा ही हो गया ये तो, कि शाम के टाइम बच्चों का शोर नहीं और वो खामोश होकर चले, पता नहीं किधर गए हुए हैं सारे के सारे। चलें, इसमें में भी हमारा ही फ़ायदा है। सो एक ये चंक प्योर सैंड का, इसको क्रम्बल करते हैं। Thank you.